किसानों के समर्थन में बौद्ध भिक्षु भी खुलकर सामने आ गए हैं। जनतंत्र टीवी ने ऐसे ही तमाम बौद्ध भिक्षु से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो राजनीतिक मामले में धर्म की आड़ क्यों ले रहे हैं। सुनिए। आंदोलन को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और सबसे बड़ा समर्थन मिल रहा है इन बौद्ध भिक्षुओं का, जो यहाँ पे कुछ लोग सांकेतिक रूप से बैठे हैं, लेकिन पूरे देश भर में इनके जहाँ जहाँ पे मठ हैं, जहाँ जहाँ पे इनके समर्थक हैं, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। हम, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है भिक्खु कमल सील। कमल सील जी, ये माना जाता है कि जो भिक्षु होता है उसको ना राजनीति से मतलब होता है, ना किसी समाज से मतलब होता है, वो पारमार्थिक बातें करता है, तो फिर राजनीति में क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? हम राजनीति में नहीं पढ़ रहे, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, यहाँ हम किसानों का साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि आज किसान परेशान है, उसकी रोटी जा रही है, उसका खेत खलिहान जा रहे हैं, जब खेत खलिहान नहीं होंगे तो रोटी के लिए वो अनाज कहाँ से उत्पन्न करेगा, जब उसके पास रोटी नहीं होगी तो वो हमको रोटी कैसे देगा, इसलिए हम उसके लिए जो ये काले कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इनको समाप्त करने के करवाने के लिए हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं लगता कि हर बात का राजनीति करना, ये लड़ाई सरकार और किसानों के बीच में थी, खत्म हो जाती है, बातचीत से हल हो जाएगी, बौद्ध भिक्षुओं का इसमें उतरना किस तरह से आप सही मानते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, किसका समर्थन करना चाहिए था आपको? हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो हमारी लड़ाई ये है कि अगर हमारा अधिकारी नहीं रहेगा तो यहाँ कोई नहीं रह पाएगा, ना बौद्ध रह पाएगा, ना सिख रह पाएगा, ना ईसाई रह पाएगा, क्योंकि ये मनुवादी लोग हैं, ये मनुस्मृति को स्थापना करने के लिए फिर से लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा विधायकों का कहना कि इनकी सामाजिक जिम्मेदारी थी कि इस लड़ाई का एहसास दें, क्योंकि अगर समाज नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।